स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लाइव सेशन में। T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच नंबर 35 कहले या फिर सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला कहले, चाहे जो कहना है वो कह सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच में बेहद इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया। और इस मुकाबले का इम्पोर्टेंस आप इस बात से समझिए कि भाई इस मुकाबले की हार और जीत का सीधा ताल्लुक था इंग्लैंड क्रिकेट टीम से। अगर इस मुकाबले को स्कॉटलैंड जीत जाती तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, वो बाहर हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड क्वालिफाई कर गई है क्योंकि स्कॉटलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। कृष्णा भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा भाई को मैं स्वागत करूं या कुछ कहूं, उससे पहले मैं बस एक ही चीज कहूंगा, कृष्णा भाई क्या करते हो जी, कौन क्या सी दवा खाते करते हो हो, हाँ कौन सी दवा खाते हो? मैंने देखो पहले ही बोल रखा था, लेकिन एक चीज और मैं अभी अभी से बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश टीम जो भी है, मतलब हारने ऐसे इस तरह से आती है ना तो बहुत खतरनाक हो जाती है। अब क्या कोई कह नहीं सकता कि इंग्लैंड टीम दोबारा से वर्ल्ड कप जीत जाए। ये भी हो सकता है कि भाई जब देखा आपने 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया बाहर होने के कगार पे थी, और जब उसने कमबैक किया तो कितना खतरनाक कमबैक था उसका, शानदार लगातार कमबैक। अफगानिस्तान से वो भी हारी थी, अफगानिस्तान से इंग्लैंड भी। तो ये मैचेस हो सकते हैं भाई, इंग्लिश टीम ने कमबैक किया है। और देखो ये टीम प्रबल दावेदार, पहले से ही मैं बोल रहा हूँ कि कब कब कमबैक कर जाए। अब बाकी के मैचेस तो हो गए ठीक है, सुपर ग्रुप स्टेज के मैचेस का तो ठीक है, पिचेस स्लो वगैरह, लेकिन बाकी वो टीमें वेस्ट इंडीज में खेल रही थी। अब यहाँ से पड़ाव टीम इंडिया का बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया में क्या है कि टीम इंडिया ने स्लो पिचेस खेली है, और वहां का वेस्ट इंडीज का पिचेस, जमीन आसमान का फर्क भी है। अब आपको देखेंगे युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अब आपको ये प्लेयर खेलते हुए दिखेंगे, आपको यशस्वी जायसवाल खेलते हुए दिखेंगे। इसीलिए एक्सपेक्टर जो तैयार किया था ना रोहित शर्मा ने, इसीलिए तैयार किया था कि भाई अब इनकी जरूरत है पड़ेगी, क्योंकि वहां के पिचेस को अगर फ्लॉप हो जाते तो फिर सवाल उठ जाते। तो रोहित शर्मा माइंड गेम खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा ने, ठीक है कि लोग बोलते कि जब फ्लॉप हो रहे कंटिन्यू रोहित आपके विराट कोहली, तो उनको ओपनिंग में क्यों लाया जा रहा है। तो बात कर ले इस मैच की, इस मैच में स्कॉटलैंड ने भाई 180 रन 20 ओवर में, और ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भाई 19.4, मतलब दो बॉल शेष रहते हुए पहले मैच जीता ही, जिसमें हाँ, इनके एक बार डेंजरस जो है मोस्ट डेंजरस बल्लेबाज। मैच का पूरा हाईलाइट दे देता हूं मैं पहले एक बार। सेंट लूसिया के डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में ये मुकाबला खेला गया, और ये इस सीजन का ये पहला ही मुकाबला था इस मैदान पर। तो भाई वैसे भी ऐतिहासिक ये मुकाबला होना था, और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने थी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने स्कॉटलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया, और स्कॉटलैंड ने अपने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के कोटे में 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन लगा दिए। जॉर्ज मुंशे ने 23 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली, 2 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए। माइकल जोन्स 2 रन बनाकर आउट हो गए। ब्रैंडन मैकमुलन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, 34 गेंदों में 60 रन, 6 छक्के उन्होंने लगाए, 2 चौके की पारी रही। उसके बाद बैरिंगटन, रिची बैरिंगटन की बात करें, अगर कप्तान रिची बैरिंगटन नॉट आउट लौटे 31 गेंदों में 42, मैथ्यू क्रॉस 11 गेंदों में 18 रन। अगर आप गेंदबाजों पर आ जाएंगे तो मैक्सवेल ने 2 विकेट लिए आज, जबरदस्त, सबसे अच्छे गेंदबाज वही रहे, थोड़े महंगे रहे लेकिन 2 विकेट उन्होंने लिए। एडम जैम्पा 1 विकेट, नेथन एलिस 1 विकेट, और एस्टन एगर आज खेल रहे थे और उन्होंने भी 1 विकेट लिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 181 रनों की जरूरत थी, और ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 49 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली, 4 छक्के और 5 चौके लगाए। 29 गेंदों में 59 रन, मार्कस स्टोइनिस एक बार फिर बल्ले से कमाल दिखाते हुए 9 चौके और 2 सिक्स उन्होंने लगाया। टिम डेविड ने 24 रन बनाए नाबाद। अगर आप स्कॉटिश गेंदबाजों की बात करें तो स्कॉटलैंड के लिए मार्क वॉट और सफियान शरीफ ने 2-2 विकेट लिए, तो वहीं ब्रैड वील के खाते में 1 विकेट आया है। तो भाई मार्कस स्टोइनिस भी चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया आज। मैच जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड अंदर आ गई, ये सुपर 8 की शुरुआत होने वाली है कृष्णा भाई।
यहाँ पे मेरे को लग रहा है कुछ कनेक्शन इशू है। कृष्णा भाई का कनेक्शन शायद से कुछ वीक पड़ गया है। जैसे ही वो जुड़ेंगे एक बार फिर से उनका रिएक्शन जान लेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दें कि भाई ये जो मुकाबला है, ये मुकाबला जो है मतलब ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच में खेला गया, और ये सेंट लूसिया के मैदान पर खेला गया ये मुकाबला। और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 180 रन लगाए, 180 रन लगाए, 181 रनों की दरकार थी, 181 रनों की दरकार थी ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 19.4 ओवर में इस मैच को फिनिश किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए अगर आप देखें तो ट्रेविस हेड ने जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की, तो वहीं मार्कस टॉइनिस ने भी शानदार बल्लेबाजी की है। मार्कस टॉइनिस के बल्ले से भी अर्धशतक निकला है। तो वहीं टिम डेविड ने भी फिनिशिंग टचेस दिए इस मुकाबले में, जो है मतलब जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की। कृष्णा भाई वापस जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कृष्णा भाई, ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्कस टॉइनिस ने एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी की, ऑस्ट्रेलिया ने एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाया। अब वेस्ट इंडीज में मुकाबले होने हैं, अब जो है सुपर एट के मुकाबले वेस्ट इंडीज में होने हैं। क्या प्रेडिक्शन है आपकी? कुछ टेक्निकल इश्यू है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से उनका कनेक्शन जो है वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन आपको जो है मैच का फिर से एक बार लेखा जोखा बता देते हैं आपको कि मैच में क्या कुछ हुआ है। इस मुकाबले में जबरदस्त तरीके से जो है ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ही डिपार्टमेंट में अच्छी मतलब ठीक है, गेंदबाजी तो ओके ओके ही थी, बहुत ज्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं कहेंगे। अगर आप स्कॉटलैंड जैसी टीम के सामने 180 रन कंसीड कर देते हो तो वो बहुत अच्छी गेंदबाजी तो नहीं कंसीडर होती। हाँ, लेकिन ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब रोक दिया, आप एक तरीके से कह सकते हो कि भाई रिची बैरिंगटन जो है उनके कप्तान, उनको बहुत धीमी पारी खेलने पर मजबूर कर दिया। 135 की स्ट्राइक रेट से ही उन्होंने बल्लेबाजी की। तो भाई जॉर्ज मुंचे ने 35 रन बनाए स्कॉटलैंड के लिए, ब्रैंडन मैकम्यूलन ने 34 गेंदों में 60 रनों की पारी खेली, रिची बैरिंगटन ने 42 रन बनाए, 18 रन मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस के बल्ले से 5 रन, तो वहीं क्रिस ग्रीव्स के बल्ले से 9 रनों का योगदान आया। एस्टन एगर, नेथन एलिस और एडम जेम्पा ने एक एक सफलता दिलाई अपनी टीम को, तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने 2 विकेट निकालने में कामयाबी पाई है। ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए थे 181 रन, ऑस्ट्रेलिया ने 19.4 ओवर में 186 रन बनाकर मैच को जो है फिनिश कर दिया है। ट्रेविस हेड ने 49 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली, 5 चौके और 4 छक्के उन्होंने लगाए, स्ट्राइक रेट 138.78। डेविड वार्नर की बात करें तो 4 बॉल में 1 रन उन्होंने लगाया 25 की स्ट्राइक रेट से। मिचेल मार्श की बात करें तो मिचेल मार्श का बल्ला फिर से खामोश रहा आज, 9 गेंदों में 8 रन बनाकर वो आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो 8 गेंदों में 11 रन बनाकर वो आउट हुए। मार्कस स्टॉइनिस जो है 29 गेंदों में 59 रनों की पारी वो खेलकर आउट हुए हैं, 9 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। टिम डेविड की बात करें तो भाई 14 गेंदों में 24 रन बनाकर वो मतलब उन्होंने अच्छा योगदान दिया, नॉट आउट लौटे वो। और फिनिशिंग टचेस की जो बात करते हैं हम लोग लगातार, वो फिनिशिंग टचेस उन्होंने दिए हैं, 14 गेंदों में 24 रन बनाकर वो नाबाद लौटे हैं। मैथ्यू वेड की बात करें तो मैथ्यू वेड ने 5 गेंदों में 4 रन बनाए इस मुकाबले में। माइकल लीस की बात करें तो माइकल लीस के जो है 4 ओवर में 39 रन खर्च करते हैं लेकिन विकेट लेस रहते हैं। ब्रैड वील की बात करें तो 28 रन वो खर्च करते हैं, 3.4 ओवर में 1 विकेट उनको मिला है। मार्क वॉट की बात करें तो मार्क वॉट ने 2 विकेट निकाले 4 ओवर में 34 रन खर्च करके। क्रिस्टोफर सोल की बात करें तो 3 ओवर में 33 रन विकेट लेस रहे हैं वो। सफियान शरीफ की बात करें तो 4 ओवर में 42 रन 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। क्रिस ग्रीव्स की बात करें तो 1 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की और 1 ओवर में 4 रन उन्होंने खर्च किए। तो भाई मुकाबला बहुत ही शानदार ये रहा। एक तरफा मुकाबला होता तो मजा नहीं आता, लेकिन मैच जो एक तरफा नहीं हुआ कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की सांसें अटक गई थी। ऑस्ट्रेलिया की इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर हार का खतरा जो है वो मंडराने लग गया था कुछ ही देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। और तो वहीं इंग्लैंड की टीम तो पूरे मैच के दौरान जो है परेशान ही नजर आई थी। हालांकि मैच खत्म होने के बाद थोड़ी राहत की सांस ली होगी इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने, जॉर्ज बटलर ने, तमाम जो टीम प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के, उन्होंने, इंग्लैंड क्रिकेट फैंस ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने,
हर किसी को राहत तब आई जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आखिरी गेंद पर जो है छक्का लगाकर मैच फिनिश किया है। टिम डेविड का वो छक्का, महेंद्र सिंह धोनी के वो 2011 वाले छक्के जैसा ही सुकून दिया होगा आज इंग्लैंड क्रिकेट टीम को। इस मुकाबले को जीतने के साथ ही